मैं हिंदी पत्रकारिता के समक्ष कुछ चुनौतियों और कुछ अवसर के बारे में आपके सामने अपना विचार साझा करना चाहता हूं, बहुत संक्षिप्त में, क्योंकि हम सब माननीय कुलपति जी को भी सुनना चाहेंगे। देखिए, मैं 1998 से भारतीय जनसंचार संस्थान में अध्यापन का कार्य कर रहा हूं और मूलतः मैंने शुरुआत अंग्रेजी पत्रकारिता से की। भले बाद में हिंदी पत्रकारिता के सेवा के लिए मुझे गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार मिला, लेकिन मेरी शुरुआत अंग्रेजी पत्रकारिता से। और मैं जब अध्यापन का कार्य करता था, मैं अपने विद्यार्थियों को बताता था कि भले आप अंग्रेजी पत्रकारिता के विद्यार्थी हो, आपका पत्रकारिता का अध्ययन अधूरा है जब तक आप हिंदी के दो अखबार नहीं पढ़ेंगे, हिंदी या कोई भी भारतीय भाषा, क्योंकि दिल्ली में संस्थान का केंद्र था तो वहां मैं हिंदी अखबारों की बात करता था। क्योंकि अगर हमारे माटी की खुशबू किसी पत्रकारिता में है तो वो भारतीय भाषाई पत्रकारिता। इसलिए जब मैं भारतीय जनसंचार संस्थान का जब मैं महानिदेशक बना तो हमने मराठी और मलयालम दो भारतीय भाषाओं में, और यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने से पहले की बात है, और संस्कृत, तीन भाषाओं में हमने पत्रकारिता के पाठ्यक्रम शुरू किए और वो आज भी सफल पाठ्यक्रम के रूप में उन केंद्रों में जहां मात्र अंग्रेजी पत्रकारिता सिखाई जाती थी। और आज अपने विश्वविद्यालय में भी मैं इसी वर्ष से मैं मराठी और सिंधी, क्योंकि हिंदी के बाद अगर सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जो भाषाएं मध्य प्रदेश में हैं तो वे मराठी हैं और सिंधी हैं, उनमें मैं पत्रकारिता का पाठ्यक्रम शुरू कर रहा हूं। क्योंकि अंग्रेजी पत्रकारिता स्वाधीनता संग्राम के समय भी एक, और मैं उसके विरोधी नहीं हूं किसी भी भाषा का, लेकिन वे प्रतिनिधित्व भारत की जनता को नहीं करते थे, उनका पाठक वर्ग अलग था, उनके हित अलग था। लेकिन जब उदंत मार्तंड शुरू होता है और हिंदुस्तानियों के हित हेत के ध्येय वाक्य से होता है, तब से लेकर भारतीय भाषा में जितने भी समाचार पत्र निकले व्यापक जनहित और राष्ट्रहित केंद्र में रहा। कई बार हम राष्ट्रहित की बात करते हैं तो उसको एक संकुचित संकीर्ण दृष्टिकोण से देखने की एक कुछ जगह प्रवृत्ति हम देखते हैं कि भई ये तो राष्ट्रवादी हैं, लेकिन राष्ट्रीयता हमारे पत्रकारिता का अभिन्न हिस्सा रहा है, अंग रहा है। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी प्रखर संपादक तो थे ही, लेकिन एक मुखर राष्ट्रवादी भी थे। भारत के स्वाधीनता संग्राम में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है, इस बात को न भूलें कि संपादक रहते हुए ही, पत्रकारिता जगत में रहते हुए ही उन्होंने पुष्प की अभिलाषा लिखी थी, कारावास में रहकर लिखी थी, और वो पुष्प की अभिलाषा अभी तक प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों से लेकर पिछले कई पीढ़ियों से हम सबको प्रेरित किया है कि राष्ट्र सर्वोपरि, ये भारतीय भाषा पत्रकारिता का ध्येय वाक्य रही। इसलिए उदंत मार्तंड भले एक वर्ष के लिए ही प्रकाशित किया गया था, उसके बाद उसको बंद करना पड़ा, लेकिन उस एक वर्ष काल को आप मत देखिए कितने कम समय कोई रहा, उस कम समय में कितने प्रभाव। हम अक्सर कहते हैं आदि शंकराचार्य के बारे में, स्वामी विवेकानंद के बारे में, उनका अल्प आयु रही है, मुश्किल से 3-3.5 दशक ये लोग रहे हैं जीवित, लेकिन उसमें जो उन्होंने प्रभावी कार्य किया वो आज तक हम याद ही नहीं रखते हैं। उन्हीं के वजह से आज हमारा जो सभ्यता है वो निरंतर प्रवाह में है, इन्हीं लोगों के योगदान की वजह से। तो आयु नहीं मायना रखती है, तो उस दृष्टि से उदंत मार्तंड की आयु एक वर्ष की थी, लेकिन उस एक वर्ष में पूरे भाषा पत्रकारिता के लिए उन्होंने कुछ मापदंड तय किए, कुछ मानक तय किए, ये उसका महत्व है।
और इसलिए आज भी बहुत कमियां हम गिनवाते हैं पत्रकारिता में, जितनी कमियां हम लोग गिनवाते हैं वो शायद किसी और पेशे के बारे में हम नहीं कहते हैं। ये पत्रकारिता का एक तरह से तासीर भी है, इसका गुण भी है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जब हम किसी एक व्यक्ति पर उंगली उठाते हैं तो ये तीन उंगली हमारी तरफ, इसलिए हम लोग लगातार आत्मावलोकन करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, इसलिए पत्रकार को बुरा नहीं लगता। आप जरा सोचिए जिस हिसाब से चौथे स्तंभ पर हमला होता है, चौतरफा हमला होता है, वे लोग जो भ्रष्ट हैं, घूसखोर हैं, लालची हैं, वे लोग पत्रकारिता के बारे में व्याख्यान देते हैं तो बड़ा बुरा लगता है, लेकिन पत्रकारों को बुरा नहीं लगता है, क्योंकि इससे हम लोग और सतर्क रहते हैं, क्योंकि जनता की दृष्टि में अगर कोई स्तंभ पर आज भी भरोसा है, कोई भी संकट की स्थिति आती है तो मैं देखता हूं आम जन एक ही बात कहते हैं कि हम मीडिया को बोल देंगे, हम ये मीडिया में जरूर प्रकाशित करेंगे, हम अखबार वालों को कह देंगे। मैं ज्यादा दूर नहीं जाना चाहता, अभी पूना में एक घटना हुई, एक पोर्च के एक रईस जादे ने कुचल डाला, और अगर मीडिया हंगामा नहीं करती तो शायद वे गुनहगार आज जेल में नहीं होते, आज भी जो है बाहर घूम रहे होते। वो मीडिया की भूमिका है। मैं 2G, CWG, निर्भया, इन सब में मीडिया की भूमिका की तरफ बात भी नहीं करना चाहता हूं, मैं तो सिर्फ पिछले सप्ताह की बात कर रहा हूं। लेकिन कई बार शौक होता है, मैं कहता हूं अक्सर राष्ट्रीय शौक है, कि मीडिया को जो है भर्त्सना करना एक राष्ट्रीय शौक बन गया है, कोई बात नहीं, लेकिन मीडिया पर भरोसा है, इसीलिए याद रखें कि हम उसी की आलोचना करते हैं जिनसे उम्मीद है, जिनसे उम्मीद नहीं है उनसे क्या आलोचना करना। तो ये मीडिया का, लेकिन देखिए डिजिटल का स्वरूप आ गया है, प्लेटफॉर्म बदलते रहे हैं, लेकिन भले डिजिटल का स्वरूप आया, मीडिया के मूल सिद्धांत वो आज भी वही है, निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठा। 19-20 हो सकता है, कोई भी आज पत्रकार कोई फरिश्ता नहीं है जो आसमान से उतर कर आया है, वो भी इसी परिवेश में पलता है, बढ़ता है, देखता है, आम पृष्ठभूमि से आता है, लेकिन एक बार वह पत्रकार बनता है तो वो अपने आप को उस सामाजिक दायित्व से जोड़ देता है, और वो समझ लेता है कि मेरा जीवन तब सार्थक होगा जब मैं बेजुबानों का जुबान बनूंगा। आज का विषय विकसित भारत को लेकर है, और कुछ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहां प्रमोद जी ने आपके सामने प्रस्तुत किया। मेरा यह मानना है कि पत्रकारिता का दायित्व में कोई बदलाव नहीं है, पत्रकार आज भी, मैं अक्सर कहता हूं कि पत्रकारिता का धर्म न सत्ता पक्ष है न विपक्ष है, उसका एकमात्र पक्ष जनपक्ष है। अगर जनहित में जनता द्वारा चयनित सरकार अगर जनहित में कोई कार्य करती है तो उसको सफल बनाने की बहुत बड़ी भूमिका पत्रकारिता की है। उसी तरह अगर वो गलत काम करती है, कोई भी सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, तो उसको ध्यान आकर्षित करना भी मीडिया का ही दायित्व है। लेकिन साथ साथ हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि मीडिया का धर्म मात्र सूचित करना और शिक्षित करना नहीं है, अपितु समाज को प्रेरित करना भी है। यह मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए आपने जो उदाहरण दी, मैं आपको अपने प्रदेश मध्य प्रदेश से एक उदाहरण देना चाहता हूं। आज हमारा इंदौर शहर भारत में सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है, और भोपाल हमारा सबसे स्वच्छ भारत में राजधानी मानी जाती है। उसका कारण यह है कि हमने स्वच्छ भारत को एक सरकारी
मुहिम की तरह या एक सरकारी योजना की तरह नहीं देखा, हमने उसमें जन भागीदारी सुनिश्चित की। वहां की मीडिया भी उसी भाव के साथ जुड़ी, ये देखकर नहीं कि ये फलान सरकार की है, ये फलान प्रधानमंत्री की है, इस दृष्टि से नहीं कि स्वच्छ भारत भारत के हित में है। अगर स्वच्छता आई तो यहां बीमारी से लोग कम ग्रस्त होंगे, स्वच्छता आए तो हमारे माहौल ठीक होगा, हमारे शहर खूबसूरत होंगे। जिस दिन मीडिया इस संदेश को जन जन तक पहुंचाता है, उस दिन जो है, क्योंकि मैं व्यक्तिगत प्रत्यक्षदर्शी हूं, पोलियो इम्यूनाइजेशन का जब प्रोग्राम होता है, हुआ था पल्स पोलियो का जब अभियान, तो भारत के कुछ क्षेत्रों में, क्योंकि मैं उसमें यूनिसेफ WHO की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहा था मीडिया को, हमने देखा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुगली में कुछ क्षेत्र थे जिनको हम कहते हैं पोलियो रेजिस्टेंस एरियाज, यानी कि पोलियो अपने बच्चों को देने के लिए माता पिता के बीच में हिचक, कई गलतफहमियों के कारण, कई अफवाहों के कारण कि फलान जो पोलियो है ये अमेरिका की साजिश है एक वर्ग विशेष के आबादी को कम करने के लिए। पोलियो का उद्देश्य आबादी कम करना है ताकि आगे इन बच्चों को बच्चे ना हों, इस तरह की बातें फैलाई गई थी। और एक भाषा विशेष के कुछ स्थानीय अखबारों का उसमें बड़ी नकारात्मक भूमिका रही इस बात को फैलाने में। हमने उन पत्रकारों के साथ, उन संपादकों के बीच में बातचीत की, एंगेज किया उनको, हमने धार्मिक धर्म गुरुओं को उसमें हमने एंगेज किया, उनके साथ वार्तालाप की। उसका नतीजा था कि जैसे ही वहां के उस स्थानीय भाषाई मीडिया में परिवर्तन हुआ और वहां के स्थानीय धार्मिक नेता अपने साप्ताहिक उद्बोधन में लोगों को आह्वान किया कि यह पोलियो बहुत जरूरी है बच्चों के लिए, तो भारत बहुत जल्दी ही पोलियो एंडेमिक फ्री के कैटेगरी में आ गया, उस श्रेणी में। इसलिए समाज की बहुत बड़ी भूमिका है। उस वक्त मैं अलीगढ़ विश्वविद्यालय के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ हम लोगों ने जो है मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ वार्तालाप किया और उनको मैदान में उतारा, और उसका नतीजा है कि आज एक भी पोलियो केस भारत में रिपोर्ट नहीं किया जा रहा। मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका रही है। इसी प्रकार स्वच्छ भारत में भी मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका जो है रही है। जनता को योजनाओं के बारे में बताना, चाहे वह जनधन योजना हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, उनके अधिकारों के प्रति, उनके दायित्वों के प्रति, यह भी मीडिया की भूमिका है। मात्र सनसनी फैलाना नहीं है, हमारा दायित्व है यह बताना कि समाज को हम किस तरीके से प्रेरित करें, यह भूमिका डिजिटल में है। लेकिन कुछ चिंता का विषय भी है। जब हम डिजिटल की बात करते हैं तो आज बहुत सारे इस टेक्नोलॉजी के चलते डिसइंफॉर्मेशन, मिस इंफॉर्मेशन और मैल इंफॉर्मेशन। मैल इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना के अभाव में सूचना को प्रेषित करना, यानी कि मैं एक पत्रकार हूं, मुझे सूचना मिली नहीं जितना मिलनी चाहिए थी और मैंने आधे अधूरे सूचना को मैंने आगे प्रेषित कर दिया। मिस इंफॉर्मेशन, मुझे एक सूचना, कोरोना काल में हमने, इसको कई बार फेक न्यूज का नाम दिया जाता है, फेक कंटेंट का नाम दिया जाता है, कोरोना काल में बहुत सारी ऐसे खबरों को फैलाई गई कि आप कोरोना वैक्सीनेशन लेने के, टीकाकरण के एक वर्ष के बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो कई लोगों ने कहा कि भाई नहीं, नाक में जो है आप नींबू निचोड़ दो, आप कोरोना से आप निजात पाएंगे। बहुत सारे फेक इंफॉर्मेशन को सूचना के तौर पर परोसा गया। तो मेरे पास एक सूचना आती है, मैं, मेरा उद्देश्य बिल्कुल, मेरा नियत में कोई कमी नहीं है, खोट नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि चलो मेरे परिजनों को मैं जरा बांट देता हूं, देखो हो सकता है काम आएगा। पूरा देश उस वक्त काढ़ा पी रहा था, बाद में कई लोगों को पेप्टिक अल्सर भी हुआ, सुबह से शाम काढ़ा,
काढ़ा भी एक अनुपात में ही लेना चाहिए, लेकिन लोग इतने डरे हुए थे कि लोग लगातार दिन रात वो भी भीषण गर्मी में इतने काढ़ा पी रहे थे कि पूछिए मत। लेकिन क्योंकि उस वक्त मीडिया का एक्सपोजर ऐसा था तो वो हुआ मिस इन्फॉर्मेशन, जहां नियत साफ है, और दूसरा है, तीसरा है डिस इन्फॉर्मेशन, जहां जानबूझकर शरारत के तहत हम इस तरह के हरकत करते हैं। हमने देखा जब किसान आंदोलन हुआ उस वक्त विदेशी मुल्क से हैंडल्स बनाए गए भारतीयों के नाम पर और गलत सूचनाएं और अफवाहें परोसने का प्रयास किया। वो तो सरकार ने बहुत समय पर जो है उस हरकत को समझ गई और सरकार ने फिलहाल जिद पर न रहकर उन्होंने तत्काल उस कानून को वापस लेने का निर्णय लिया, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि एक अलगाववादी आंदोलन सोशल मीडिया के माध्यम से सशक्त करने का एक नापाक कोशिश हो रही है। हमने हाल ही में देखा डीप फेक वीडियोस शुरू हुआ था रश्मिका मंदाना जी के साथ, जो जिसको अक्सर युवा पीढ़ी के बीच में नेशनल क्रश कहा जाता है। उनके एक चेहरे को लगाकर एक अश्लील तस्वीर को परोसा गया। बाद में हमने देखा कि प्रधानमंत्री गरबा नाच रहे हैं। लोगों ने सोचा अरे ये तो मजाक है, पहला वाला हो सकता है किसी ने डाला हो, लेकिन उसको गहराई से तब समझ में आया जब हाल ही में चुनाव के दौरान तेलंगाना में गृहमंत्री द्वारा दिए गए एक भाषण को आपने डीप फेक के तहत जो उन्होंने कहा उसके बिल्कुल उल्टा, आप सोचिए उसका कितना बड़ा परिणाम, सामाजिक दुष्परिणाम हो सकता था उसका, उस डीप फेक का। उस डीप फेक के वजह से समाज के अंदर विद्वेष फैलता, भ्रातृत्व का भावना खत्म होती, समाज में आपस में जो है जो संबंध है वो खराब होते। और आने वाले दिनों में कोई संकोच मत करिए, बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं, मुझे ये कहने में कहीं कोई संकोच नहीं है कि ये और खतरनाक होने जा रहा है। मैं कुछ बच्चों को, स्कूल के बच्चों से समझा रहा था कि बेटा आपको कोई फोन आ सकता है जिस फोन के मैं आपको बताया जा सकता है कि भाई आपके पेरेंट की तबीयत खराब है, आपके अभिभावक की, आप जल्दी स्कूल से निकलिए, हमारे साथ चलिए। तो उन्होंने कहा ये तो पुराने टेक्निक है। मैंने कहा नहीं, नया टेक्निक ये है कि अब जो बात करेगा वो आपके पिता के आवाज में, आपकी माँ की आवाज में बात करेगा, और जो नंबर आएगा, तो कहते नंबर तो वो नहीं होगा। मैंने कहा नहीं, नंबर भी क्लोन होगा, नंबर भी वही दिखाएगा, आवाज भी वही होगा, लेकिन ना वो आपके पिता होंगे ना आपके माता होंगे। कैसे निकलेंगे आप? ये चुनौतियां हैं। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी यहां जिक्र हुआ। AI बहुत, मैं समझता हूं कि सारे तकनीक प्रौद्योगिकी इंसानियत के बेहतरी के लिए है, उसका सदुपयोग हमको करना चाहिए। आज देखिए ChatGPT की वजह से इतना सुविधाजनक हो गया है जीवन। मेरे ऐसे कर्मचारी बंधु जो दो लाइन ठीक से नहीं लिख सकते थे, आज ऑक्सफोर्ड वाले अंग्रेजी में मेरे को जो है आवेदन लिखते हैं। मैं समझता हूँ कहाँ से आ रहा है ये, ChatGPT की मदद से वो बेहतर लिखते हैं, और आज विद्यार्थी भी उसका भरपूर उपयोग कर रहे हैं अपना असाइनमेंट में, क्योंकि प्लेजरिज्म तो बहुत कम दिखाई देता है। अब उसमें भी नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं कि ChatGPT में भी आप प्लेजरिज्म चेक कर सकते हैं। और ये भी एक सवाल है कि रचनात्मकता में भी उसका प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि बैठे बैठे आप कवि बन सकते हैं। मैं भी पहले सोचता था कि अपने भोपाल शहर में ही पिछले 3 महीने के अंदर 30 पुस्तक का विमोचन मैंने किया। इतने सारे कवि कहाँ से पैदा हो रहे हैं, इतने साहित्यकार कहाँ से पैदा हो रहे हैं? सब ChatGPT की कृपा है साहब, सब पैदा हो रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन हमको इसके अच्छा सदुपयोग भी इसका हो सकता है, डेटा को विश्लेषण करने में सहज और सरल रूप से हम कठिन डेटा को जो है हम लोग उसका उपयोग कर सकते हैं। बहुत सारे स्पीड में हम विद्यार्थियों को ही नहीं, अपने पाठक को, दर्शक को
हम कस्टमाइज्ड कंटेंट दे सकते हैं, हम एआई के माध्यम से जान सकते हैं कि हमारा ये जरूर है कि मॉडरेशन नहीं होता है तो उसका अति भी होता है। 2 साल पहले मैंने भोपाल के करीब जो है परिवार वाले आए हुए थे, तो मैंने सोचा कि उनको कहीं आसपास किसी रिजॉर्ट में ले जाऊं, वो रिजॉर्ट ढूंढा मैंने गूगल में, आज तक 2 साल से वो मुझे सिर्फ रिजॉर्ट ही बता रहा है। उनको समझ में आ गया इसको रिजॉर्ट जाना है, मैं कहते होके भी आ गया 4 रिजॉर्ट अब छोड़ दे, लेकिन नहीं रिजॉर्ट ही दिखाएंगे। वो एआई आपके पीछे पड़ा रहता है, वो आप देखते होंगे। हमारे एक मित्र ने बड़े उत्सुकतावश पूछा कि ये बताओ आपके में तो बड़ा भक्ति के आता है रील, मेरे में थोड़ा अश्लील क्यों आता है। मैंने कह दिया आप खुद ही समझ जाओ, आपने देख लिया, उसने पकड़ लिया कि आपको यही चाहिए। तो इसलिए ये जरूर आपको ध्यान रखना है, एआई बहुत उपयोगी है, लेकिन एआई का भी हम उपयोग कैसे कर सकते हैं समाज के विषयों को हम लोग आगे बढ़ाने में। क्योंकि अगर डिजिटल मीडिया भी वही काम करेगी जो पारंपरिक मीडिया करती रही है, तो फिर टेक्नोलॉजी का क्या लाभ हुआ? मेरा तो सवाल यह है, जब डिजिटल मीडिया आया है तो क्या हम विजुअल स्टोरी टेलिंग के माध्यम से क्या हम विकसित भारत की सफलता की कहानियां नहीं बता सकते हैं? क्या विकसित भारत के उपलब्धियां, मैं सरकारी उपलब्धियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं ऐसे ऐसे युवा शक्ति की जिन लोगों ने ऐसे स्टार्टअप्स शुरू किए जो आज यूनिकॉर्न बन गए, जो उनके अंदर जो जज्बा है, किस तरह गांव से जो है शहर में ही नहीं विदेश से पढ़कर आए और गांव में पंचायत के जो है मुखिया बन गए, ऐसे सफलता के किस्से आम लोगों के। जब मैं दूरदर्शन का संपादक था तो आज भी वो चलता है वो प्रोग्राम, और उसका देखा देखी कई इवन चैनल खड़ा हो गया, वो है गुड न्यूज इंडिया, हर रविवार को हम लोग उसको लेके आते थे। उसमें सिर्फ सरकार का नहीं, जनता के बीच में से समाचार सकारात्मक जो भी सोच है उसको हम उजागर करते थे। तो नकारात्मकता तो अपनी जगह है, उसको मैं नकार नहीं रहा हूं, वो मीडिया का धर्म है, लेकिन मीडिया का धर्म ये भी मैंने जो कहा कि समाज को प्रेरित करना, तो जो अच्छा अच्छी चीजें हमारे समाज में हो रही है, वरना क्या 125 करोड़ लोगों को, आप जरा सोचिए, आप 142 करोड़ लोगों को अगर आप ये बोलेंगे कि हमारे यहां सिर्फ भ्रष्टाचार है, सिर्फ अत्याचार है, सिर्फ बलात्कार है, कौन सा समाज प्रेरित होगा इससे? हमारे समाज में भी बिल्कुल निस्वार्थ भावना से हजारों कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता गांव-गांव में जाकर काम कर रहे हैं, एकल विद्यालय चला रहे हैं, दुनिया भर में जो है अपना सब कुछ एक करियर को छोड़कर आज जो है जीवन समाज को समर्पित कर जी रहे हैं, क्या उनके जीवन प्रेरणादायी नहीं है? क्या मात्र हम इतिहास में ही अपने प्रेरणा पुरुषों को और प्रेरणा स्त्रियों को ढूंढे? क्या क्या हमारे वर्तमान में समाज में ऐसे उदाहरण नहीं है? क्या है? हमारे बीच में है, लेकिन हमको हमारे समाज के सफलता के मायने कुछ और है। जिसके पास पैसा है, बड़ी गाड़ी है, बड़ा बंगला है, वही सफल है, लेकिन नहीं जिसने जीवन में लोगों को, 4 लोगों को शिक्षित किया, एक छोटा सा स्कूल बनवाया, उनके जीवन में मानसिकता में परिवर्तन कराया, वो व्यक्ति भी हमारे लिए सफल व्यक्तियों की गिनती में आता है, ये भी हमें समाज को दिखाना है। तो सफलता के मायनों को, उदाहरण को, सफलता के जो परिभाषा है उसको भी परिवर्तित करना है, तो हमें डिजिटल मीडिया का सदुपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि शायद मुख्य धारा की मीडिया अब शायद वो दिखाने में अक्षम हो गई है। क्योंकि उनके, मैं कई बार कहता हूं, कई बार दिल्ली के मीडिया को हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय मीडिया, मैं कहता हूं नहीं, दिल्ली मीडिया को दिल्ली मीडिया ही कहना, मुंबई मीडिया को मुंबई मीडिया। ऐसा क्यों है कि देहरादून या हल्द्वानी की मीडिया राष्ट्रीय मीडिया नहीं है? राष्ट्रीय मीडिया क्या है? क्योंकि आप मुख्यालय में हैं तो आप क्या राष्ट्रीय मीडिया बन गए? क्या राजधानी में हैं तो राष्ट्रीय मीडिया बन गए? क्या नहीं, आप किन विषयों को उठा रहे हैं वो राष्ट्रीय है कि नहीं? अगर बिहार में कोसी में बाढ़ है, असम में ब्रह्मपुत्र में बाढ़ है, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन गुरुग्राम के बड़े बड़े अट्टालिकाओं में आपको जो है थोड़ा पानी का भराव दिख गया,
तो आप कह रहे हैं कि भाई बहुत बड़ा संकट आ गया देश के ऊपर। अगर ये आपका दृष्टिकोण है तो आप राष्ट्रीय मीडिया नहीं है, आप बिल्कुल एक कस्बाई मीडिया है। राष्ट्रीय मीडिया बनने के लिए राष्ट्रीय चिंतन होना चाहिए, राष्ट्रीय दृष्टिकोण होना चाहिए, तब जाके आप एक राष्ट्रीय मीडिया बनते हैं। राष्ट्र के व्यापक राष्ट्र हित को अपने समक्ष रखते हुए जब आप लिखते हैं तब आप राष्ट्रीय मीडिया होते हैं। इसलिए इस मीडिया की अवधारणा को हम डिजिटल मीडिया में बदल सकते हैं। ये विकसित भारत में बहुत बड़ा योगदान डिजिटल मीडिया का हो सकता है। तो मैं जैसे कह रहा था कि ये जो फेक इंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, मैल इन्फॉर्मेशन, इनको अगर दुरुस्त करना है तो मीडिया साक्षरता बहुत आवश्यक है। और मीडिया साक्षरता मात्र मीडिया के विद्यार्थियों के लिए या शोधार्थियों के लिए नहीं है, मीडिया साक्षरता मैं समझता हूं समाज के हर बच्चे से लेकर बुजुर्ग व्यक्ति के लिए आवश्यक है। क्योंकि आज मीडिया का जो एक्सपोजर है, पहले कुछ पढ़े लिखे लोग कम संख्या में अखबार को पढ़ते थे, बाद में कुछ लोग जो टीवी देख सकते थे वो या अफोर्ड कर सकते थे, केबल अफोर्ड कर सकते थे, वो लोग टीवी देखते थे। लेकिन आज 5-6 महीने के एक शिशु से लेकर 95 साल के बुजुर्ग तक आज मीडिया में लगे हुए हैं। रिक्शा चलाने वाले के पास भी मीडिया है। मैं अक्सर कहता हूं कि पहले हम कहते थे कि देश में जो 4 मूलभूत आवश्यकताएं एक आम व्यक्ति का है वो है रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन आज रोटी, कपड़ा, मकान के साथ एक बहुत ही मूलभूत आवश्यकता है डेटा। रोटी, कपड़ा, मकान और डेटा, अगर उसे कहीं भी छोड़ दीजिए वो सबसे पहले डेटा तलाश करता है। वो ये नहीं कहता मेरे को पानी चाहिए, मेरे को रोटी चाहिए, कहता कहीं से इंटरनेट का कनेक्शन मिल जाए। छोटा बच्चा 6 महीने का भी हो, उसको अगर रोना बंद करना है तो पहले लोग फोन थमा देते हैं। ये जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है हमारा, तो उसको नकारात्मक पक्ष से ही क्यों देखें, क्यों ना उसका सदुपयोग करें। जिस चीज से अब हम बच नहीं सकते हैं तो क्या हम उसको अपने हित में हम नहीं कर सकते हैं क्या? तो इसलिए उस डिजिटल मीडिया को हम समाज के और राष्ट्र के उत्थान के लिए किस तरीके से सदुपयोग कर सकते हैं, इस दिशा में हमको सोचना है। और मीडिया साक्षरता बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज AI, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, एनिमेशन, कॉमिक, इसके माध्यम से आज जनता को गुमराह करने का भी एक प्रयास किया जा रहा है। दंगे फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, अंधविश्वास को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आप कुछ नहीं एनिमेशन टेक्नोलॉजी दिखा रहे हैं, आप कुछ ऐसे इमेज, नकली इमेज को दिखाते हैं और कहते हैं कि यह सत्य है, ये देखो वीडियो में वो दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है। वो भी एक प्रवृत्ति है, ये मीडिया साक्षरता से ही हम उसको दुरुस्त कर सकते हैं। हमको बताना है कि किस तरीके से फेक को आइडेंटिफाई कैसे करना है, उसको पहचानना कैसा है। बहुत सिंपल से सब चीजें हैं कि रिवर्स इमेज सर्च कर दिए, या क्या हो रहा है कि अफगानिस्तान के इराक, ईरान, मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया के चित्रों को मॉर्फ करके ऐसे दिखाया जाता है जैसे कश्मीर के चित्र हैं, और लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं कि देखिए कैसा अत्याचार हो रहा है। इनको पहचानना जरूरी है, आम आदमी गुमराह ना हो, इसलिए वो भी जरूरी है। तो हम जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं तो मात्र हम सरहदों की सुरक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, सामाजिक सुरक्षा की बात कर रहे हैं। हमको विकसित भारत में बहुत बड़ी भूमिका है। मैं 2 बिंदु और बहुत संक्षिप्त में कहकर अपने वाणी को विराम देता हूं। मैं भाषा बहुत महत्वपूर्ण है साहब। मैं 2-2 राष्ट्रीय संस्थाओं का, माखनलाल और भारतीय जनसंचार संस्थान का प्रमुख के नाते, मैं जहां भी पूरे देश में जाता हूं मुझे एक ही बात अखबार के मालिक बताते हैं कि सर भाषा का इतना क्षरण हो गया है, आज 2 वाक्य आज के पत्रकारिता के विद्यार्थी लिख नहीं सकते हैं ढंग से। उसका कारण ये है कि हमारे पत्रकारिता के विद्यार्थियों का साहित्य से नाता टूट गया है। साहित्य भाषा के पोषक है, संवाहक है, और
उस साहित्य से नाता टूट गया। आज सिर्फ हम एक्स, यूट्यूब और रील्स, वो कहते हैं कि आधा देश रील बना रहा है, बाकी आधा देश रील देख रहा है। इसी से सारा ज्ञान, पहले कहते थे व्हाट्सएप विश्वविद्यालय, सारा ज्ञान वहीं से ले रहे हैं, साहित्य से नाता टूट गया है। भारतीय पत्रकारिता को अगर सशक्त करना है तो हमको अपने भाषाई जो हमारे जड़े हैं उसको मजबूत करने की आवश्यकता है। इसलिए हमने अपने विश्वविद्यालय में पत्रकारिता के साथ साथ अभी भारतीय भाषा विभाग की भी स्थापना की, क्योंकि भाषा के बगैर पत्रकारिता अधूरा है। इसलिए पत्रकारिता को सशक्त करने के लिए विद्यार्थियों को हमको प्रेरित करना है कि वो भाषा, समाचार पत्र तो पढ़े ही पढ़ें, लेकिन साथ में ही दद्दा मखनलाल को भी पढ़ें, पंडित मुंशी प्रेमचंद को भी पढ़ें, आप जो है उदंत मार्तंड के बारे में भी जानकारी रखें, जितने भी हमारे साहित्यकार कवि हैं उन सब के बारे में आप अध्ययन करें, यह भी उतना ही आवश्यक है। हम अपने विश्वविद्यालय में एक भारतीय भाषा लैब भी तैयार कर रहे हैं, प्रयोगशाला, ताकि जो वर्तनी में जो कमियां हैं उसको हम दुरुस्त कर सकें। इसका भी लगातार हमको प्रयास करना चाहिए, उच्चारण वर्तनी बहुत आवश्यक है।